भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। भारत अब विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़ दिया है। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आत्मनिर्भर बनने की पहले की पॉलिसी से भारत अब आगे बढ़ गया है और वो एक ओपन मार्केट वाली अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हो रहा है। इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जीडीपी के मामले में 2,440 अरब डॉलर के साथ विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जीडीपी के मामले में भारत ने पिछले साल ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन की इकोनॉमी 2,830 अरब डॉलर की है, जबकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था का आकार 2,710 अरब डॉलर का है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जीडीपी 10,510 अरब डॉलर है। ये जापान और जर्मनी से भी ज्यादा है। भारत में ज्यादा जनसंख्या के चलते प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,170 डॉलर है। अमेरिका की बात करें तो वहां की प्रति व्यक्ति जीडीपी 62,794 डॉलर है। हालांकि पिछले कुछ समय में सुस्ती के चलते भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार तीसरी तिमाही में कमजोर रह सकती है। ये 7.5% से घटकर 5% पर आ सकती है। इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। इसके बाद कई सुधार लाए गए। इंडस्ट्री को नियंत्रण मुक्त किया गया, विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट पर नियंत्रण कम किया और साथ ही पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन उपायों से भारत को आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के भीतर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। हाल में कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2020 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। मूडीज ने यह अनुमान 6.6% से घटाकर 5.4% कर दिया है। इसके साथ ही मूडीज ने 2021 में जीडीपी बढ़त के अनुमान को भी 6.7% से घटाकर 5.8% कर दिया है। मूडीज ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई है उसकी वजह से भारत के जीडीपी ग्रोथ में तेजी की रफ्तार कम हो सकती है। उसने कहा कि भारत में अब किसी भी तरह के सुधार को उम्मीद से कम ही माना जाना चाहिए। भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और वर्ल्ड बैंक ने तो वित्त वर्ष 2019-20 में सिर्फ 5% जीडीपी ग्रोथ रखने का अनुमान जाहिर किया है। वहीं सरकार के आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है।